हेलो लोगों फ्रेंड्स, मेरा नाम इरफान और आपका दिल से बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल सेहत रात में। फ्रेंड्स, आज मैं स्टूडियो में आपको बताऊंगा पीरियड्स मासिक धर्म से जुड़ी वो सारी गलत फहमियों के बारे में, वो सारी कहावतों के बारे में, वो सारे भ्रम के बारे में जिसे आप अब तक सच माना करते थे लेकिन वह सच नहीं हुआ करता था। लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आप उसकी सारी सच्चाई को जान सकेंगे। फ्रेंड्स, आपने बिल्कुल सही समझा, आज मैं इस स्टूडियो में बताने वाला हूँ आपको पीरियड्स और मासिक धर्म से जुड़ी वो सारे मिथ्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ हर बार की तरह कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ वीडियो के नीचे आपको एक रेड कलर का बटन नज़र आ रहा होगा, उसे क्लिक करके सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब करने के जस्ट बाद आपको बेल आइकन नज़र आ रहा होगा, बेल आइकन को भी क्लिक कर ले ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मैसेज आप तक सबसे पहले पहुँच जाया करे। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहला जो गलत फहमी है, बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारी औरतें सोचती हैं कि मासिक धर्म में जो ब्लीडिंग होती है वो गंदा होता है। फ्रेंड्स, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। मासिक धर्म में जो ब्लीडिंग आपकी होती है वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके गर्भाशय के लेयर टूटने के कारण होती है। तो इसलिए इसका कोई भी साइंटिफिक रीज़न नहीं है कि अगर आपको ब्लीडिंग यानी कि पीरियड्स हो रही है तो आप स्कूल नहीं जा सकती हैं या धार्मिक समारोह में नहीं जा सकती हैं या आप एक्सरसाइज नहीं कर सकती हैं। इसका कोई भी साइंटिफिक रीज़न नहीं है। फ्रेंड्स, सच बात तो यह है कि जिन लड़कियों को, जिस औरतों को सही समय पर पीरियड आ जाती है वह हेल्दी होती हैं, यानी कि वह पूरी तरह से स्वस्थ होती हैं, उन्हें किसी भी तरह की परेशानी, किसी भी तरह की बीमारी नहीं होती है। फ्रेंड्स, दूसरा जो गलत फहमी है, बहुत सारी औरतें, बहुत सारी लड़कियां सोचती हैं कि मासिक धर्म में जो ब्लीडिंग होती है उससे उनके शरीर की बहुत सारे ब्लड बाहर निकल जाती है। फ्रेंड्स, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ, आपको फील हो सकता है कि आपके शरीर से बहुत सारा ब्लड निकल रहा है लेकिन ऐसा नहीं होता है। फ्रेंड्स, ज़्यादातर लड़कियों को सिर्फ और सिर्फ 2 से 6 चम्मच ही ब्लड ब्लीडिंग के द्वारा बाहर आती है और जो भी बाकी कुछ होता है वो सिर्फ और सिर्फ यूट्रस का लेयर होता है, यानी कि ब्लड के साथ साथ आपके यूट्रस की परतें भी ब्लड के साथ निकलती है, जिससे आपको ऐसा लगता है, ऐसा फील होता है कि आपके शरीर से बहुत सारे ब्लड निकल रहा है। फ्रेंड्स, अगला जो गलत फहमी है, बहुत सारी लड़कियाँ, बहुत सारी औरतें सोचती हैं कि अगर मासिक धर्म नहीं हुआ तो वह गर्भवती हैं यानी कि प्रेग्नेंट हो गए। बहुत सारी सोचती हैं कि उनका अगर पीरियड मिस हो गया है तो वो सोचती हैं कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन फ्रेंड्स ऐसा भी नहीं होता है। हो सकता है कि बहुत सारे रीजंस के वजह से भी आपके पीरियड आना बंद हो सकती है, लेकिन आपने अनप्रोटेक्टेड रिलेशन बनाया है तो हो सकता है कि आप गर्भवती हों। और बहुत सारी लड़कियां जो कि यंग होती हैं, जिनका पीरियड्स हाल ही में शुरू हुआ है, उनकी पीरियड्स नॉर्मल पीरियड होने में थोड़ा समय लग सकता है, यानी कि शुरुआत में उनकी पीरियड्स 2 महीने या 3 महीने के गैप में भी आ सकती है, लेकिन जैसा 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 उनका उम्र बढ़ता है, जैसा जैसा उनका एज बढ़ता है, फिर उनका पीरियड्स नॉर्मल हो जाता है। फ्रेंड्स, अगला जो गलत फहमी है, मासिक धर्म के समय रिलेशन करना अस्वस्थकार यानी कि सही नहीं होता है। बहुत सारी औरतें, बहुत सारी लड़कियां सोचती हैं कि मासिक धर्म के दौरान रिलेशन बनाना अनहेल्दी होता है यानी कि अच्छा नहीं होता है। फ्रेंड्स, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। इसका कोई भी साइंटिफिक रीज़न अभी तक नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आप अनप्रोटेक्टेड रिलेशन बनाते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही बड़ा ख़तरा हो सकता है, बहुत ही ख़तरनाक बीमारी आपको हो सकती है। फ्रेंड्स, अगला जो गलत फहमी है, यदि मासिक धर्म हो रहा हो तो आप गर्भवती नहीं हो सकती हैं। बहुत सारी लड़कियां सोचती हैं ऐसा, बहुत सारे मैरिड लाइफ कपल सोचते हैं कि मासिक धर्म के दौरान आप गर्भवती नहीं हो सकती है। पीरियड्स के दौरान हाँ, चांसेस कम होती है, पीरियड्स के दौरान अगर आप रिलेशन बनाते हैं तो हाँ, चांसेस कम होती है प्रेग्नेंट होने की, लेकिन इसकी कोई भी गारंटी नहीं दे सकता है कि आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है। मे बी आपके यूट्रस में कुछ एग्स ऐसे हों, मौजूद हों पीरियड्स के दौरान जो कि एक्टिव हो, उन्हें शुक्राणु मिलते ही दोनों फर्टाइल कर सकते हैं। तो इसलिए ये कहना बहुत ही मुश्किल है कि पीरियड्स के दौरान रिलेशन बनाने से आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकती हैं। फ्रेंड्स, अगला जो गलतफहमी है, माहवारी चक्र होता है 28 दिन का। बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारी औरतें सोचती हैं कि मासिक धर्म 28 दिन का ही होना चाहिए, अगर 28 दिन का नहीं होता है तो किसी ना कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन फ्रेंड्स ऐसा कुछ नहीं होता है। बहुत सारी लड़कियों की पीरियड्स जो है 21 दिन की लेंथ भी होती है, 25 दिन की पीरियड साइकिल भी होती है। तो फ्रेंड्स,
आपको आप ऐसा नहीं सोच सकते हैं। अगर आपका पीरियड्स 25 दिन के लेंथ में आ रहा है तो बिल्कुल सब कुछ नॉर्मल है, आपको किसी भी तरह का टेंशन नहीं लेने की ज़रूरत है। किसी किसी का पीरियड्स 35 दिन का गैप भी हो सकता है। फ्रेंड्स, अगला जो एक गलतफहमी है, बहुत सारी लड़कियाँ सोचती हैं कि पीरियड्स की शुरुआत 11 से 16 साल के बीच में होती है, और अगर उसके बीच में शुरू नहीं होती है तो लड़कियाँ परेशान होने लगती है। लेकिन फ्रेंड्स, ऐसा कुछ नहीं होता है। 11 से 16 साल के बीच में पीरियड्स होना नॉर्मल है, ठीक है। लेकिन किसी केस में किसी लड़की को ऐसा भी हो सकता है कि 11 से 16 साल के बीच में पीरियड्स स्टार्ट नहीं हो। फ्रेंड्स, इसका बहुत सारा कारण हो सकता है, जैसे कि तनाव तनाव में रहना, या हैवी जो लड़कियां हैवी एक्सरसाइज करती हैं 11 से 16 साल के बीच में, तो उनकी पीरियड्स लेट में भी आ सकती है, यानी कि 16 साल के बाद भी आ सकती है। और अगर आपको बहुत ही लंबे समय से कोई बीमारी चलती आ रही है तो इसके वजह से भी आपके पीरियड्स स्टार्टिंग में लेट आ सकती है। तो फ्रेंड्स, यही थे कुछ गलतफहमियाँ, यही थे कुछ कहावतें, यही थे कुछ भ्रम, यही थे कुछ मिथ्स जिनके बारे में आपको जानना बहुत ही ज़रूरी था। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल हेल्पफुल रहा होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर करें, ताकि मुझे ये पता चले मेरी बनाई वीडियो आपको पसंद आ रही है, मैं और भी आपके लिए इसी तरह की वीडियो बनाता रहूं। और अगर आपके मन में किसी भी तरह का सवाल हो तो नीचे आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं आपको ज़रूर हेल्प करूंगा। और फ्रेंड्स, इसे अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी पेट से जुड़ी ये सारी गलत फहमियों को दूर कर सकें और वो सच्चाई को जान सकें। और मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लें, क्योंकि आपको यहाँ इसी तरह की वीडियो मिलती रहती है। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड बाय।